जी, मेरा नाम मुफ्ती जमील फारूक है। मैं स्टूडेंट्स प्रेसिडेंट का स्टूडेंट्स फोरम का प्रेसिडेंट हूँ यहाँ पर। आज हमने 5 जून को एक इनिशिएटिव लिया था, उसमें हमने सोचा कि हम ये जो ग्राउंड है आज इनका ग्राउंड प्ले ग्राउंड, इसमें हम करेंगे काम, इसमें क्लीनेस्ट ड्राइव हम करेंगे। और इसमें हमें टाउन दिया म्यूनसिपल कमेटी हाजन ने, और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी, सिविल सोसाइटी स्टूडेंट्स जो भी यहाँ पर हैं उन्होंने भी टाउन दिया। तो उनका बहुत शुक्रगुजार हैं सबका कि उन्होंने दे सपोर्टेड अस इन दिस रिगार्ड, सो वी आर वेरी थैंकफुल टू देम। मेरा नाम शिराज मानी है, मैं भी इस स्कॉलर्स कम स्टूडेंट्स फोरम का हिस्सा हूँ। जो ये आज का दिन है, यहाँ इस ज़मीन पर खाली ह्यूमंस नहीं रहते, यहाँ पर इंसेक्ट्स भी रहते हैं, जानवर भी रहते हैं, लेकिन बींग ह्यूमन, एक इंसान होने के नाते हमारा फ़र्ज बनता है कि हम इस ज़मीन को साफ़ रखें, क्योंकि जानवर तो नहीं रख पाएगा, वो तो गंदा ही करेगा। तो ह्यूमन जो है ये मतलब सबसे इसका मुकाम जो है वो आला होता है, इसके पास सोच समझ होता है, अच्छा क्या है बुरा क्या है। तो हम इसी सिलसिले में आज जो 5 जून है, ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जा रहा है, तो इस सिलसिले में आज हमने क्लीनर ड्राइव शुरू की यहाँ पे। तो हमारा इसमें मतलब ये है कि हम अपने आसपास के इलाके को साफ रखें, ताकि लोगों को मैसेज जाए कि एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। मैं पेशे से उस्ताद हूँ, इन स्टूडेंट्स ने स्कॉलर्स है इसमें हाजिर के, इन्होंने आज एक इनिशिएटिव लिया आलमी माहौलियाती दिन पर, इन्होंने यहाँ पर सफाई के मतलब लोगों को एजुकेट करने के लिए लिया है। तो मेरे ख्याल से बड़ा सराहनीय कदम है, और मैं यहाँ इनकी हौसला अफजाई करने के लिए आया हूँ, और अपील करता हूँ सारे स्टूडेंट से और बाकी जो भी यहाँ पर बाशिंदे हैं उनसे अपील करता हूँ कि माहौल को साफ़ रखें, इसमें ही माहौल की आप हम सबकी भलाई है। मेरा नाम इसहाक है और मैं एक स्टूडेंट हूँ यहाँ पर। पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ दैट यू लेट अस हैव दिस प्रिविलेज ऑफ स्पीकिंग टू यू एंड वी विल रीच थ्रू यू टू पब्लिक। तो हमारा एक मकसद था, आइडियाज़ हमारे पास ऑलरेडी थे, वी हैव हैड आइडियाज़ एनफ आइडियाज़, मगर कोई फिज़िकल मैनिफेस्टेशन देने की, उसको एक आइडिया को चेंज करने की ज़रूरत थी, हमें कोई वे आउट नहीं मिल रहा था। तो हमारे सर थे बशीर अहमद सर, हमारे टीचर रहे हैं, टीचर है भी, तो उन्होंने हमारे पास आए और आइडिया शेयर किया कि हमें क्या करना चाहिए, ग्रास रूट पर क्या करना चाहिए। तो आज हम हाजन के सभी लोग, सभी थ्रू वी हैव असेंबल्ड हियर इन ऑर्डर टू गिव इट अ फिज़िकल मैनिफेस्टेशन। सो हमारा यही मकसद है कि जो ये टाउन है, वी वांट यू नो क्लीन इट लिटरली। एक तो हमारा इल्म है, सभी के पास इल्म होता है, मगर वी वांट टू इम्प्लीमेंट दैट नॉलेज यू नो ऑन ग्राउंड लेवल। तो हमारा भी यही, सभी यहाँ पर आए हैं, हमारे प्रेसिडेंट साहब भी यहाँ पर है, हमारा यही मकसद है, और हमारे म्यूनसिपलिटी का भी ताउन रहा इसमें कि उन्होंने भी अच्छा साथ दिया। तो हम चाहते हैं कि हम सभी स्कॉलर्स से, हमारे जितने भी असातिज़ा हैं यहाँ पर, टीचर्स से, स्टूडेंट, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आए हमारे साथ जुड़े, ताकि हम इस अपने इस खूबसूरत टाउन को और इसकी खूबसूरती में कुछ और ऐड कर सकते हैं। मैं पेशे से स्टूडेंट हूँ। आज हमने जो 5 जून इंटरनेशनल एनवायरमेंटल डे बनाया जा रहा है, आज हमने एनवायरमेंटल ड्राइव स्टार्ट किया है यहाँ हाजन में, और हाजन के इस ग्राउंड में, सपोर्ट्स ग्राउंड में, इन कोलैबोरेशन विद द म्यूनसिपल कमेटी हाजन, जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया है, और यहाँ आज डे बना, इस डे बनाने में के बनाने में हमने ये इसलिए बनाए कि ये इससे एक मैसेज आउट हो जाए लोगों में कि एनवायरमेंट साफ़ रखने के लिए क्या करना चाहिए और क्यों ज़रूरी है एनवायरमेंट को साफ़ रखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अर्शिद अहमद परे, सो आई एम लोकल स्टूडेंट हियर, सो आई एम वर्किंग इन एन इंटरनेशनल कंपनी, बट टुडे वेयर वर्ल्ड इज़ सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, सो वी द स्टूडेंट्स ऑफ हाजन हैव टेकन इनिशिएटिव टू डू समथिंग टुवर्ड्स आवर एनवायरमेंट। सो आई थिंक हाजन में जहाँ पे पूरी जगह पे सब लोग इस बात के ज़िम्मेदार हैं कि वो अपनी लोकल सोसाइटीज़ को, लोकल मोहल्लाज को, लोकल मार्केट्स को साफ़ रखें, क्योंकि ये एक हमें एक आदत बनानी है। उस यही मैसेज देना चाहेंगे लोगों को कि जहाँ पे भी आप गंदगी देखें उधर एक इनिशिएटिव लिए, छोटा सा अगर आप डस्टबिन लेके उस, अगर आपके पास अगर जूस का पैकेट है, सिंपली अगर हम जूस कहते हैं, या आइसक्रीम, वी आर हैविंग आइसक्रीम, एनी पैकेजिंग थिंग वी आर हैविंग, सो प्लीज़ पुट योर रैप इन योर डस्टबिन। सो दैट्स द सिंपलेस्ट थिंग यू कैन डू। सो उस मामले में हम लोग आज यहाँ पे एक इनिशिएटिव लिए, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमें इस मामले में साथ दिया। देखिए, आज 5 जून है, इसलिए एनवायरमेंटल डे के तौर पर मनाया जाता है। तो हमारे पास हर चीज़
लोगों स्कॉलर और अच्छे अच्छे बाइज़त शेरी आए हमारे सबके, हम मिलकर एक पैगाम एक देंगे ग्रामीण के टाउन के लोगों को कि भाई हम अपना माहौल किस तरह साफ रखेंगे। तो वहाँ पर हमने एक क्लीनिस ड्राइव भी यहाँ से शुरू किया और एक आहद किया लोगों ने कि भाई हम पॉलिथीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आज से हम मिल करें इस पर काम करेंगे। हमने भी हुक्म को कहा कि हम म्यूनसिपलिटी का पूरा साथ रहेगा पॉलिथीन को ख़त्म करने के लिए। और इसके अलावा भी हमने एक दूसरा मुहिम छेड़ी जिसमें हमने डस्टबिन लाए हुए हैं इलेक्ट्रिक बॉडी ने, तो कल से हम डस्टबिन भी प्रोवाइड कर रहे हैं डोर टू डोर कलेक्शन के लिए। इंशाल्लाह अब हम डोर टू डोर कलेक्शन करेंगे जो कि हर घर को उठाकर हम डिस्पोजल साइट पर भेजेंगे। जो हमारी डंपिंग साइट है उसको भी हमने अच्छा क्लियर कर दिया जहाँ पर हम डंप करते हैं, इंशाल्लाह उसको भी गवर्नमेंट ने एक साइंटिफिक प्लान दिया हुआ है तो साइंटिफिक डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। और हमारी मेरी ये भी लोगों को गुजारिश रहेगी कि हमारे साथ भरपूर टाउन दें ताकि हम हाजिम टाउन को क्लीन एंड ग्रीन कर सकें। ये सब में है डंपिंग साइट, वहाँ पर हम जमीन में जो उसको दफन करते हैं उसको मिट्टी डालते हैं। अब इंशाल्लाह हमारा प्रोजेक्ट कोई 12-13 करोड़ का सेंक्शन हो गया है, इंशाल्लाह साइड तरीके से उसका। तो सर मजा तो जमीन में दफन किया जाता था, खुले में नहीं डाला जाता। तो सर जिस हमने भी उनको यकीन दिलाया, उन्होंने भी हमें यकीन दिलाया कि हम हाजिम के लिए ये पूरी कोशिश करेंगे ताकि हम हाजिम को क्लीन एंड ग्रीन बना सकें और यहाँ का पोल्यूशन फ्री माहौल बन सके। इंशाल्लाह वो गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट सेंक्शन किया है, वो इंशाल्लाह उसका चल रहा है काम। हमें वहाँ पर जमीन भी 20 कुनाल अलाट की गई है, उसके बाद पेपर हमें सब दे रहे हैं, इंशाल्लाह 1-2 दिन में पेपर्स भी हमारे हो जाएंगे, उस पर इंशाल्लाह गवर्नमेंट काम शुरू।